वैलेंटाइन डे माय वैलेंटाइन हैप्पी वैलेंटाइन डे चल तू उठी है तब चाय बना ले गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू राशि रिडाज ब्लॉग कैसे हैं आप सब तो मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है ऑलमोस्ट उठ के सुबह नहा के और चाय वाय बनाने से अभी अलमारी की हालत थोड़ी सी फिर से हो गई है ख़राब क्योंकि 15-20 दिन में ये हो ही जाती है वापस से सेट करनी पड़ती है और आज मैं पहन रही हूँ न्यू स्वेटर जो अभी आई थी क्योंकि अब एकदम से ठंड गायब हो गई है और इससे पहले बिल्कुल ही एज इट इज़ रखनी पड़े मैंने सोचा एक बार पहन ही लेती हूँ तो अभी मैं नहाऊँगी पहले और इतने अपनी चाय बने रख दूँगी काना के पापा ने फरमाइश कर दिया सुबह सुबह चाय की चाय बने रखूँगी इतने मैं नहाऊँगी तो चाय बन जाएगी हमारी वैसे तो इस टाइम पे मैं मोस्टली अपने झुकने झुकाने के काम अवॉइड ही कर रही हूँ बट आज किचन काफ़ी गंदी हो रखी थी सुबह पता नहीं कैसे रात में लेट कुछ हुआ होगा सब्जी वगैरह वॉश करके रखी होंगी तो फिर मैंने सिर्फ किचन में लगा दिया थोड़ी सी झाड़ू और अब अपनी चाय बन के रख दूँगी और मैं जाऊँगी नहाने हमारी चाय फट गई सुबह सुबह गुड मॉर्निंग चिकी बिल्ली गुड मॉर्निंग चिकी बिल्ली कभी कुछ बोल भी दिया करो चीका खड़ेला सो जाओ इतने में नहा के आई और इतनी देर में ना चाय अच्छे से उबल के बॉयल होके ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है उसके तो इतने टाइम लगता है मुझे मैं वैसे काफ़ी टाइम नहीं लगाती नहाने में 5-7 मिनट नहा लेती हूँ तो उतनी देर चाय उबलती है मेरी और आज सुबह सुबह चाय फट गई दूध शायद ख़राब था तो फिर मैंने दोबारा से बनने रखी इतने नया दूध आएगा फ्रेश तो चाय बनने रख रही हूँ दोबारा उठो खाना कन्नू उठो बच्चे और मेरे दिन में सबसे टफ काम होता है सुबह सुबह काना को उठाना और उसको ऑनलाइन क्लास के लिए रेडी करना आज ब्रेकफास्ट में हम कर रहे हैं दूध के लॉग्स और आलू के पराठे साग भी बना है कुछ नाश्ता कर ले पराठा क्या खाया है अंगूर खाए थे हाँ और वो चाय पी रहे थे चाय और अंगूर बढ़ते हैं तो यहाँ हमारा हो गया ब्रेकफास्ट अब थोड़ी बहुत डस्टिंग वस्टिंग कर लूँगी मैं इतने और काना के पापा जा रहे हैं शोरूम और सुनिए क्या शिकायत लगा रहे हैं मेरी पूरी तैयारी के साथ शोरूम के लिए जाता हुआ मैं ये औरत ये मुझे कभी लंच नहीं कराती और ना कभी लंच लेके आती है एक बार भूली भटकी पहले नवरात्रे पे तो पहली बार शोरूम खोला नया खोला उस दिन लेके आई हूँ लंच और उस दिन इतनी भीड़ी कि मुझे यूँ एकदम दुश्मन से नजर आई कि अब मैं खाना खाने के लिए जबरदस्ती खाना खाने के लिए बुलाएगी हूँ बस वो दिन है और आज का दिन है ऐसा बहाना मिल गया कि तुम्हें खा लेगी तो गुस्सा कर दे तूने और उसके बाद ये कभी खाने नहीं प्रोवाइड ही किया इसने तो ऐसे भी लोग हैं पर ऐसी मैं हूँ ऐसे लोगों को भी तो पता ना पर मैं तो हूँ
तो खाना खाती है अपने पति का, लंच नहीं खाती है। क्यों? शोरूम पे जाना बंद है लंच वाले दिन से। वहां दिन से मैं ही चक्कर काटता रहा घर के, अब खाना खाने टाइम होगा आ जाओ, कुछ और खाना पीना आ जाओ। चलो मिलते हैं शोरूम पे ब्रेक के बाद। मतलब हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, जैसे सोनू और लवी की भी, मेरे कोई किसी केक खिला दे, कोई बच्चे ना, हमारी एनिवर्सरी में हमने ध्यान नहीं दिया था ना, मेरी हमारी एनिवर्सरी था ना, राखी या दीपिका उन्होंने मुंह से पहले केक खिला दी थी, कह रही कोई शी सीम्स वेरी क्लोज टू योर हस्बैंड, आपस में केक खिलाओ, अरे केक खाने से काम हो रहा है, खवा ले हम अकेले में, हम सबसे पहले जब केक काटा हम एक दूसरे के केक पहले काट के बैठी है, आलू परांठे तेरे चल रहे हैं दोपहर के 3 बजे, कॉफी केक आलू पराठा, वैलेंटाइन डे की क्या तैयारी है। मैं बोल रही हूँ फूल पड़े एनिवर्सरी के, मैं फैक्ट में से अच्छा मैं यूज कर लूँ। हाँ बिल्कुल, गुलाब गुलाब के जैसे ही मेरे पति घर में घुसेंगे गुलाब काम के लिए फूल बिछा दूंगी रस्ते अच्छे से फूल वूल लगा कर, केक हमारे पास एक पेज वाले ने भिजवाए हैं वो रखे हैं, वे डेकोरेशन कर रहा है शाम तक से तैयार होके मेकअप करके पे वैलेंटाइन मनाएंगे। क्या तो तैयार होकर फिर क्या करेगी? वैलेंटाइन मनाएंगे, केक काटेंगे, गिफ्ट विफ्ट बनाओगे, कोई चीज रहे तो हम देते ही रहे एक दूसरे, अब हम गिफ्ट से ना हम ऊपर हो चुके हैं क्योंकि मैंने बताया था हमारा देश आजाद हुआ था 1K47 में, 1K47 में तेरा देश आजाद हुआ था ना, इस खुशी में तुझे स्टार मिला है। हां सुनाई ने देख लिया होंगे दीदी ने इनकी हरकत। तो गाइज अभी हो गई है इवनिंग, इवनिंग भी नहीं रात ही हो गई है, कान्हा के पापा आने वाले हैं और मैंने कोई भी डेकोरेशन नहीं करी है, यहाँ मेरा पड़ा है सारा सामान डेकोरेशन का, सोचिए थोड़ा सा वैलेंटाइन पे बाहर तो क्या जाएंगे, रोज़ रोज़ बाहर ही, घर पे ही कुछ छोटा मोटा डेकोरेशन कर लूँ। तो गाइज यहाँ तक तो सब नॉर्मल ही था, ऐसे नॉर्मल हमारा वैलेंटाइन स्टार्ट हुआ और मुझे लगा अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे अपने घर पर ही छोटा मोटा जैसे भी होगा। तो यहीं प्रिया से मैं करवा रही हूँ डेकोरेशन, तो जब नॉर्मली कोई सेलिब्रेशन वगैरह कुछ करते हैं हम या कोई वैलेंटाइन या कुछ होता है तो खाना ज़्यादा टाइमली घर आ जाते हैं, बट आज के दिन मैंने खुद काफ़ी लेट करवाया था और अभी तक तो उनका कोई अता पता है नहीं कहाँ गए हैं, और दीदी ने अपना ऊपर सेलिब्रेट किया था, खाना भी उसने ऑर्डर करवाया था। हमारी डेकोरेशन हो गई, प्रिया कर गई तैयारी थोड़ा बहुत डेकोरेट, क्योंकि अब तो मैं चढ़ वेड़ के तो मैं करती नहीं हूँ, और अब हो जाती हूँ थोड़ी सी खुद रेडी, सुबह से मुँह भी नहीं धुला मेरा नहाने के बाद से, अब यू रेडी आपसे मिलती हूँ। और तो कई लोग कमेंट करते हैं आप हर चीज़ सेलिब्रेट करते रहते हो, आप हमेशा ही जब देखो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन चलता रहता है, तो मुझे लगता है जितने सेलिब्रेशन हो उतने कम है, करने चाहिए, एक तो इसलिए भी हमें अच्छा लगता है और इसलिए नहीं कि अब मैं कर रही हूँ, हम शुरू से बहुत ज़्यादा जब मैं अकेले रहती थी, मतलब काना नहीं हुआ था, मैं और इसके पापा अकेले रहते थे तब भी सेलिब्रेट करते थे, आपको दिखाती हूँ मेरा कम से कम जब काना हुआ था तब का गिफ्ट, ऊपर है एक हमारी फ़ोटो, वो हमारी फर्स्ट वैलेंटाइन डे का मग है, यहाँ था वर्ल्ड्स बेस्ट वाइफ, ये मेरा जब काना हुआ था उसके बाद इन्होंने मुझे वैलेंटाइन डे पे दिया था, और हर साल कुछ ना कुछ ये देते ही है, मतलब एक छोटे मोटा मग, कोई फ़ोटो फ्रेम या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, कुछ भी देने से हमें तो लगता है कि अच्छा ही रहता है, सेलिब्रेट करना चाहिए अपने डे, है ना, एक तो इसलिए, और दूसरा कि हमें बहुत सारे लोग देखते हैं और वो हमसे इंस्पायर होते हैं, तो लोगों को अपनी लाइफ में जितना अच्छा हो सेलिब्रेशन करना चाहिए, खुशियाँ लाते रहनी चाहिए, है ना, तो इसके लिए भी लोगों को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलती है, आइडियाज़ मिलते हैं, तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ मैं कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक मेकअप, काजल, लाइनर, लिपस्टिक, और लगाया है मैंने चिक्स पे लिप और चिक टिंट जो मैंने अभी आपको वीडियो में शो किया था, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यूज़ करने के बाद, उससे थोड़ा अच्छा सा पिंकिश पिंकिश सा ग्लो आ जाता है, तो वही मैंने किया और बस। तो मैं हो गई हूँ रेडी, थोड़ी बहुत जैसी भी नहीं
अभी कानों के पापा आए नहीं, बच्चे ऊपर गए क्योंकि दीदी अपना भी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रही है, वो आप उसकी वीडियो में देख सकते हैं। डिनर बनाया है, मंगवाया है सबके लिए बाहर से ही, क्योंकि उसको वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना था। तो अभी खाना आ रहा है हमारा बाहर से, और अब कट कर लेती हूं सैलेड। जब से मैंने अपनी प्रेगनेंसी न्यूज़ रिवील करी है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोग जो भी जानना चाहते हैं कुछ भी, अगर आप मेरे से रिलेटेड या अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बना दूंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बता देना, ताकि जो भी मतलब मोस्टली सेम क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर मैं वीडियो जल्दी से बना सकूँ। तो गाइज आज तो मैं बना रही हूँ एकदम सिंपल सी रेसिपी इसकी सैलेड की, सिंपल ही एकदम। बस प्याज टमाटर और गाजर कट करी है, उसमें नींबू नमक डाले हैं। कई बार अलग तरीके से बनाती हूँ, वो काफ़ी अच्छी लगती है, उसको मैं कभी जल्दी ही शेयर करूँगी। और ये हमारे छोटे छोटे वैलेंटाइन स्पेशल केक आए हैं इंस्टा पेज से, वो आप देख लेंगे आगे। बच्चे कौन क्या कर रहे हैं? तेरा वैलेंटाइन डे बनगा? अब झाड़ू पोछा में लग गए, मतलब बर्तन रसोई में लग गए हैं। हमारी तो यही है, यही चलता है हमारे तो। वैलेंटाइन ही नहीं आए अब तक। कहाँ शुरू हुई है? मैंने कहाँ भाग गए? ऐसे लगा ना। अब हमें कौन भाग देंगे? प्रेग्नेंट बीवी, एक बच्चे की माँ, दूसरे बच्चे की माँ। तो सबसे ज्यादा भाव मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा भाव मिल रहे हैं, यही तो भाग गए। गाइस मैं 10 बजे से वेट कर रही हूँ, भूख से हो गई। बहरहाल मैंने सोचा वैलेंटाइन डे एक साथ ही खा लेंगे, और ये आदमी अब आए हैं। 10 बजे आयो कॉमल है, ये का कर दिया टिम 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 से यार, लव पवे का लगा दिए। हां ये वैलेंटाइन डे मेरा है, तुम कहां मना का आयो? तो आज 15 अगस्त है। आज 14 है। अरे मैं तो बारे सोच रहा हूं, अपना वैलेंटाइन डे कहां मना का आयो? हर चीज बताने के लिए होती। चल एक छोटे गुलाब से काम चलाओ। मेरे लिए तो भी गुलाब भी दिए है। पूरे 100 नहीं 10,000 पैसे का 100 रुपए का ये आज के दिन में थोड़ा सा महत्व रहा है। मेरा कौन है? लोग खाना खा लेंगे, भूख लगी है मुझे, आज लंच टाइम लगा। इससे सेटिस्फाइड है तू? तूने ज्यादा एक्सेप्ट तो नहीं किया था ना? मैंने करा, बस तुम एक दो बार, मैंने तुम पहले मग वगैरह ऐसी चीज दे चुके हैं। तू सारे पत्ते खोल रही है कैमरा के सामने। आई थिंक कुछ गिफ्ट लाए हैं। तुम्हारे लिए पूरा पत्रा लिया है। पत्र नहीं, पूरा पत्रा लिया है। अरे यार डाल बढ़िया द मोस्ट लव्ड पाई एनी गेसेस हू गेट्स टू विन दिस अवार्ड फॉर ओनिंग हर मैन्स हार्ट एनी गेसेस दिस इज राशि बोसट्टा। मैं पढ़ के सुनाता हूँ तेरे को। यू फॉर द स्माइल ऑन माई फेस फॉर ऑल माई ग्रेस फॉर
I love so sweet for making me complete for everything you do. The award goes to you, the most loved wife. और तो कुछ होती है और भी है, दो तीन वाइफ और है, तू मोस्ट लव्ड है, ठीक है? जब भी लेगा ना, जब भी जब ही लेट होगा मैं भी तेरी दीदी से कह रही हूं कि कहीं वैलेंटाइन डे मनाते घूम रहे हैं। कई सारे खरीदे मैंने, कई सारी जगह गया मैंने, घर में चलो लेट चले जाएंगे और जगह जल्दी से निपटा का हूं। कौन तो मैं घर ना है, घर थोड़ी है। और अब ठीक है, अब कंप्लीट होगा, और कुछ एक्सपेक्टेशन ना है और है तो दे दो, कुछ तो है। अब तो कुछ एक्सपेक्टेशन तो रहा है। यू मैं लिया है, मैं कि तू वो दे देगी, ले कैमरा के सामने तो तू वो दे दे, ऐसा नहीं बच्चों ने दे लो, देखा पासी ने मुझे गिफ्ट दिया है। आना ना, इसे दूसरे क्यों फाड़ रहे हो यार? तो एवरी सेकंड काउंट बेबी, तो मुझे काटनी पड़ेगी ना, नहीं तो इसे काट देते। एंड दिस इज अगेन फॉर माय ऑसम वाइफ। अरे आप क्या है, आप माय वाइफ ऑसम। तो ये राशि ने मुझे नहीं दिया, मैंने ही राशि को दिया है। थैंक यू। मैं सोच रहा था ऑसम हस्बैंड रखवा लूं, तो वो भी आता मेरी तरफ से, एक ही बात ही। फिर वो तेरी तरफ से घुमा कैमरे के सामने, बढ़िया से हो जाता कौन। और वो लगी मेरे की तरह कुछ ना कुछ तो करो, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है। मेरे बस यही करे डेकोरेशन। चलो बढ़िया, जो हो बस वो बढ़िया है, जो ना हुआ वो भी बढ़िया है, ठीक है? थैंक यू। आप कंप्लीट है, आप डिलाइटेड है? बिल्कुल। और 600 रुपया में कोड डिपा दियो, बात पैसे की नहीं है, बात है गिफ्ट की। हाँ तो हर चीज बंद होगी, मुंह पता थोड़ी वो बंद होगी। तो दोनों कॉक वाले ढूंढ के लाया मैं। अच्छा। स्कूटर पे आ गए। यूं जबरदस्त बजा रहे हैं। और मैं ये फोन फोगे जा रहा हूँ, पता ना कौन वैलेंटाइन डे बनाते घूम रहे हैं। भूख लगी मेरे गोलगप्पे खा लिए। चलो बढ़िया है, चलो खाना खिला दे, खाना खा लो, बहुत तेज भूख लग रही है। क्या क्या मिला तुम्हें वैलेंटाइन डे पे? एंड द अवार्ड गोज टू मोस्ट लव्ड वाइफ। आई हैव मेनी वाइव्स बट शी इज माय मोस्ट लव्ड वाइफ। दोज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट वाइव्स, यू सी। तुम्हें सारा गिफ्ट दिया, देख तू भी कुछ लाया क्या मांग ले? देख मैं बाहर जाता हूँ, एक मिनट। क्यों बाहर क्यों जाता? देख आज का हमारा मेन्यू था नान, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, सैलेड मैंने घर ही बनाई है, खा रही है। भूख इतनी ज़्यादा लग रही है, मगर खाने भूल गई हम क्या खा रहे हैं। और कान्हा पापा के पैर छूता होगा। 100 साल जी मेरे पेट। हम रात को कट कर रहे हैं केक अपना, तो चलो इससे पहले इससे पहले कि 15 फरवरी हो जाए और 14 फरवरी से निकल जाए, सो वी शुड कट आवर केक एंड सेलिब्रेट Valentine Day for my lovely Valentine Rashi Deda. और ये मम्मा के लिए all. तो ये केक आया हमारे इंस्टा पेज से, और जिन्होंने दिया है मैं मेंशन कर दूंगी इंस्टा पे, बहुत टेस्टी केक है, होममेड है। होममेड है यार। तो गाइस रात हो गई है, केक वेक कट कर लिया, अब ले रहे हैं लास्ट दूध, करती हूं अपने ब्लॉग का एंड। थोड़ा लेट खाना खाना, अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा। तो चलिए गाइस करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ना। हाँ एक चीज़ है, बोलो। मार्च से क्या स्टार्ट करने वाला है?
कान्हा के स्कूल। अरे जो छुट्टी पड़ेगी मेरी, जब से क्या स्टार्ट होने वाला है? क्या आप तो खुद ही तो बताया था। मुझे याद नहीं, बताओ। ठीक है, जब कान्हा की छुट्टियां पड़ेंगी ना, न्यू क्लास में आएगा, उसके बीच में छुट्टियों की, तो विराट अपना चैनल पे वीडियो डालेगा, है ना? मतलब अपना चैनल नहीं, मम मेरे चैनल पे आपको विराट की वीडियोस दिखेंगी, तभी थोड़ा सा फ्री हो जाएगा बच्चा, फिर ये वीडियो डाल सकता है ना। हाँ हाँ ठीक है, मम्मा करेगी। ओके ओके ओके, तो विराट के लिए चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है विराट? पर तब तक विराट अच्छे से पढ़ाई करेगा। सेकंड क्लास में जाना, सेकंड क्लास में जाने के लिए। फर्स्ट क्लास में रहूंगा तो डाली नहीं पाऊंगा। सेकंड में रह गए, फर्स्ट में रह गए तो आप डाली नहीं पाओगे। सेकंड में जाना पड़ेगा, फोर्थ। चलो अब बाय बाय कर दो, बाय। इससे मिल लिया सब, चलो ठीक है, बाय 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 बाय।